She cake. can't get wet and cut the cake. No, Haan, she doesn't need to cut the cake. No, she, she cake. needs to cut the cake. Happy yeah. birthday. Happy birthday, birthday, birthday to you. Happy birthday. birthday need you. Add happiness too. उसको पहले किला. अरे पहले उसको किला उसका बाद दे. हाँ नहीं नहीं. अभी दे. अभी दे. अभी दे. अभी दे. चल चलाया. <laughs> जी हाँ दोस्तों. जहाँ शहनाज गिल का कल जन्म दिवस है जी हाँ सत्ताईस जनवरी को जन्म दिवस है तो वहीं शुक्ला परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी कर फैंस से खास अपील कर डाली है जी हाँ दोस्तों वो स्टेटमेंट भी आपसे शेयर करेंगे आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि शुक्ला परिवार ने मारिटा शुक्ला ने आखिरकार क्या कहा है सिर को लेकर और क्या खास रहेगा शहनाज के जन्म दिवस को लेकर सारी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें शुक्ला परिवार के अनुसार इस स्टेटमेंट में लिखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने लिखा है कि अगर उनका नाम या चेहरा किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो परिवार से एक बार जरूर पूछ ले जी हाँ बहुत बड़ी बात माँ रिटा शुक्ला की तरफ से ये आई है जी हाँ आपको बता दें दरअसल प्रोजेक्ट जो हैं जैसे कि एल्बम हो गए सॉन्ग एल्बम हो गया या कोई शो ले लीजिए इस तरह की चीजों में सिद्धार्थ का नाम जो है ले लेकर ले लेकर ले ले टी आर पी बटोरे जा रहे हैं विदाउट फैमिली से परमिशन लिए हुए जी हाँ फैमिली का पूरा हक है आखिरकार वो एक माँ है बहन है तो उनसे परमिशन लेना लाजमी है परमिशन लेना बनता है कि हाँ हम सिड का नाम इस्तेमाल करें या ना करें अपने प्रोजेक्ट में अपने जो सिड की तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी शेयर की थी कि सिद्धार्थ की जो पुरानी वीडियोस हैं उसे खरीद खरीद कर जो हैं कई सारे एल्बम्स कई सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये अपने नाम कर रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है लेकिन आपको बता दें विदाउट एनी परमिशन जी हाँ तो अब जो है माता रीटा शुक्ला या शुक्ला परिवार का जो गुस्सा है लाजमी है इसे लेकर क्योंकि इस सिर तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं दोस्तों शहनाज को लेकर भी अगर कोई बोलता था ट्विटर के ऊपर तो सिद्धार्थ एकदम से जवाब दिया करते थे सना की तरफ से और खुद के लिए तो लड़ते ही थे कुछ भी गलत होता था तो सिड सामने आकर बोलते थे लेकिन अब कौन बोल सकता है कोई नहीं है सना सना है सिड की तरफ से या मारिटा शुक्ला है या उनका परिवार ही है अब लेकिन जब कोई इंसान चला गया है तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल करना विदाउट एनी परमिशन नॉट बी गुड इसलिए दोस्तों मारिटा शुक्ला ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है क्योंकि वो तंग आ चुकी हैं इन सभी चीज़ों को लेकर और उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है पहले आपको बता दी आगे स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर उनका नाम या चेहरा किसी भी, भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो परिवार से एक बार ज़रूर पूछ लें आपको बताते इतना ही नहीं शहनाज ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट बकायदा शेयर की है दोस्तों आपको बता दें सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने लिखा सिद्धार्थ शुक्ला के सभी चाहने वालों के लिए हम बतौर एक परिवार आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उम्मीद है करते हैं कि सभी लोग हमारी इस रिक्वेस्ट की इज्जत करेंगे सिद्धार्थ मूव ऑन कर चुके हैं अब वह अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएंगे लेकिन वह हमेशा हमारी लाइफ का हिस्सा रहेंगे हमारी यादों में रहेंगे और हम यहाँ उनकी इच्छाओं के साथ जिएंगे। स्टेटमेंट में आगे ये भी लिखा हुआ है कि हम उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी सिड का नाम या चेहरा किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं वह पहले हमसे एक बार जरूर पूछ लें हम सिद्धार्थ की चॉइस के बारे में अच्छे से जानते हैं हम जानते हैं कि वह क्या चाहते होते अगर वह यहाँ हम सभी के साथ होते तो हम उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेंगे अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर वह खुश नहीं थे तो हम जानते हैं कि उसे रिलीज़ करने में भी उनकी इच्छा नहीं होगी दोस्तों आपको बता दें दो सितंबर, 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया था फैंस के लिए यह खबर काफ़ी शॉकिंग थी और शहनाज अमार शुक्ला के लिए भी वहीं टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनके इतनी कम उम्र में जाने से पूरा बॉलीवुड जगत हिल गया था सिद्धार्थ शुक्ला की माता श्री रीटा शुक्ला की देखभाल आपको बता दें अब शहनाज कर रही है। और बेटे की तरह कर रही हैं जिस तरह से सिद्धार्थ किया करते थे माँ रीटा शुक्ला की देखभाल हमेशा खड़े रहते थे मा रीटा शुक्ला के साथ उसी प्रकार ठीक शहनाज भी खड़ी रहती हैं डट माँ रीटा के साथ और आपको बता दें ये दोनों माँ बेटी का प्यार जो है ये दोनों माँ बेटी की जोड़ी जो है फैंस खूब पसंद कर रहे हैं पलकों पर बिठा कर रखते हैं इन दोनों को आपको बता दें पिछले साल शहनाज का बहुत ही धूमधाम से सिद्धार्थ ने मारिटा शुक्ला ने और शहनाज का पूरा परिवार पंजाब से मुंबई आया था पूरे धूमधाम से मस्ती करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया था जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे वीडियो शेयर की और वो देखकर हमें भी बेहद खुशी हुई थी लेकिन लगता है इस साल जो है शहनाज सिद्धार्थ के नाम का डोनेशन करेंगी अपने जन्मदिन पर और सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि शहनाज़ अनाथ आश्रम भी जाएंगी और ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी डोनेशन करेंगी ऐसी खबर आ रही है सना को लेकर अपने जन्म दिवस पर वो जि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जितनों की भी वो हेल्प कर सकती हैं वो सारे अच्छे काम करेंगी सना और आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि शहनाज ने अपने आप में कितनी ज्यादा चेंज ले आई हैं और वो अपने आप को अब क्या कहती हैं और किस तरह से शहनाज से हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए ये आप सुन सकते हैं शहनाज के मुंह से खुद ही आगे वीडियो में लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा और शहनाज को ढेर सारी दुआएं जरूर दीजिए उनके जन्मदिवस पर इतनी सारी दुआएं दीजिए दोस्तों इतने सारे प्रेर कीजिए इतनी ज़्यादा दुआएं कीजिए सना को लेकर कि वो बहुत 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 ज़्यादा कामयाब हो और अपनी लाइफ में जो भी चाहती हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाए और सिद्धार्थ के सपनों को पूरा कर सके इसलिए आपके लिए आपके आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप ये अगर कमेंट करके दुआएं करेंगे सना के लिए तो ये जो दुआएं हैं ना दोस्तों ये शहनाज तक पहुँचेंगी और शहनाज जो है जरूर एक दिन कामयाबी की शिखर को छू जाएंगी और सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करेंगी और बॉलीवुड की टॉप ऑफ द एक्ट्रेस एक दिन जरूर बनकर दिखाएंगी वेल जरूर शहनाज को बर्थडे विश कीजिएगा कमेंट करके क्योंकि शहनाज का 27 जनवरी को बर्थडे है और हम सब बेहद खुश हैं शहनाज के जन्म दिवस को लेकर वेल कितने खुश हैं आप ये भी जरूर शेयर कीजिएगा तो लीजिए शहनाज की वीडियो को खुद ही आई एम अ गुड एडवाइजर ओके ठीक है और इन 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 टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ व्हाट रिलेशनशिप एडवाइस नो एवरीथिंग लाइफ लाइफ जनरल की नॉलेज अच्छा लाइफ की जितनी नॉलेज ले सकते हो हाँ. मेरे से कैसे बिहेव करना है कैसे रहना है कैसे क्या करना है अगर सैड हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो जितना ज्ञान लेना है ले लो क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है